आप बताइए ना, आप बोलिए क्या दिक्कत है मैडम आपको, बताइए क्या दिक्कत है मैम। मैं खड़ा नहीं हो पा रही थी, दर्द हो रही थी, मैं खड़ा नहीं हो पा रही थी, डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट का सलाह दिया। और पहले भी आपने इलाज भी कराया होगा, दवाई भी खाया होगा बहुत सारा, लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे आने के बाद मतलब कितना सेशन हुआ है अभी तक आपका? नौवा सेशन है। और कैसा लग रहा है अभी? हमने देखा है कि आप खुद से चल कर जो है सो बैठी है वहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत रिलीफ मिला। इनका डिस्क बल्ज था L5-S1 में, ठीक है, जिसके कारण नर्व कंप्रेशन हो रहा था। नर्व कंप्रेस होने की वजह से इनका बाइलैटरल रेडिएटिंग पेन हो रहा था, मतलब दोनों पैर में इनका पेन जा रहा था, ठीक है, और सीवियर पेन था। ये ना खड़े हो पा रही थी ना चल पा रही थी। जब ये मेरे यहाँ फर्स्ट डे आई थी तो बिल्कुल खड़े भी नहीं हो पा रही थी अच्छे से। उसके बाद मैंने फर्स्ट डे ही इनको सेशन दिया, जिससे कि इनको 40% के करीब में रिलीफ मिल गया था फर्स्ट डे ही। उसके बाद धीरे धीरे हुआ, चूंकि इनका सीवियर पेन था इस वजह से इनका थोड़ा सेशन ज़्यादा लगा। नॉर्मली ऐसे जनरल पेन में हम लोग 5 सेशन ही देते हैं, 5 सेशन तक राहत मिल जाता है मरीज को। मैडम आप रिलैक्स हो जाइए, एकदम गर्दन को लूज छोड़िए, रिलैक्स, लंबी सांस लीजिए, टेक ए डीप ब्रेथ, ब्रेथ आउट, गुड, रिलैक्स, गर्दन को एकदम लूज छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, टेक ए डीप ब्रेथ, ब्रेथ आउट, टेक ए डीप ब्रेथ, ब्रेथ आउट। राजधानी पटना में ये जो अस्पताल है आपका सिटी क्लिनिक के नाम से, जो यहाँ पर में एक अस्पताल है, यहाँ पर में हम आए हैं और देख पा रहे हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो पुराने जोरों के दर्द हो, या चाहे कभी इतने सारे दवाएं खाएं, इलाज हुआ, लेकिन उसके बाद भी राहत नहीं मिल पाया, लेकिन इस क्लिनिक में आने के बाद, आपके संपर्क में आने के बाद, बेहतरीन तरीके से जो नॉर्मल जिसको कि पुरानी इलाज कहा जाता है, उस इलाज की विधि से जो यहाँ पर में मरीजों को देखा जाता है, ट्रीट किया जाता है, और पुराने से पुराने बीमारी का यहाँ पर में इलाज संभव हो पाता है। क्या कुछ परिचय हुआ सर इस क्लिनिक के बारे में, और यहाँ आने वाले जो मरीज होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा? मेरा नाम डॉक्टर राजेश सिंह है, मैं सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर हूँ, और इस सेंटर का डायरेक्टर भी हूँ, सिटी न्यूरो एंड स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर का और सिटी कायरोप्रैक्टिक सेंटर का। हमारे यहाँ जोड़ों के पुराने दर्द का, वो किसी प्रकार का दर्द हो, स्पाइन में, घुटना में, कंधा में, उसके बाद एंकल में, किसी तरह का दर्द हो, उसका इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ 2 विधि से इलाज किया जाता है, एक है फिजियोथेरेपी और दूसरा है कायरोप्रैक्टिक। तो कायरोप्रैक्टिक के द्वारा हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं ज्वाइंट का, जो मिसअलाइनमेंट रहता है उसको सही करके अलाइनमेंट को सही करते हैं। जैसे नस दब रहा है कहीं पे, कंप्रेशन हो रहा है, तो उसको डीकंप्रेस करते हैं, या शोल्डर ज्वाइंट में ही फ्रोजन शोल्डर का केस रहता है, हाथ नहीं उठ रहा है, उसमें भी कायरोप्रैक्टिक और फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट का बहुत महत्व है, जिससे कि बहुत जल्द ठीक हो जाता है। और ये जो थेरेपी है वो बहुत ही कारगर है, मतलब कि जो चीज दवा से ठीक नहीं हो पाता है, वो इस थेरेपी के माध्यम से बहुत जल्द रिकवरी हम लोग कर देते हैं। 4 से 5 सेशन में फ्रोजन शोल्डर जैसा बीमारी ठीक हो जाता है, बैक पेन का भी 4 से 5 सेशन में ठीक हो जाता है, और किसी तरह का ज्वाइंट पेन हो वो बहुत जल्द ठीक हो जाता है। सर आपने सेशन की बात की है, तो यहाँ पर में जो मरीज आते हैं तो उनका क्या कुछ कंसल्टेशन लगता है आपसे कंसल्ट होने से, और क्या कुछ सेशन के कॉस्ट पड़ते हैं मरीजों को? देखिए यहाँ पर हम कंसल्टेशन चार्ज तो 300 है, और 10,000 का पैकेज है 5 दिन के थेरेपी का, जिसमें हम कायरोप्रैक्टिक और फिजियो का भी सेशन देते हैं। दोनों चीज मतलब साथ में चलता है? हाँ, दोनों चीज साथ में चलता है, मतलब बीमारी चाहे कैसी भी हो, चाहे वो फिजियोथेरेपी से दूर हो सके, चाहे कायरो से दूर हो सके, लेकिन दूर होना निश्चित है। यहाँ पे कहाँ कहाँ से मरीज आ पाते हैं सर? हमारे यहाँ लगभग ऑल ओवर इंडिया से मरीज आते हैं।
जैसा कि पटना में सर जो है सो फिजियोथेरेपी सेंटर तो मिल जाते हैं, लेकिन ये कैरो सिस्टम नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए और क्या कुछ कहना चाहिएगा सर हमारे सरकार से? सरकार से यही कहेंगे कि थोड़ा सा तरफ ठीक है, और कायरोप्रैक्टिक एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, मतलब जिसके द्वारा पेशेंट से आप फीडबैक भी ले सकते हैं। मेरे यहाँ पेशेंट हैं अभी बहुत सारे जिनसे बहुत अच्छा मतलब उसका रिजल्ट है, अब तुरंत हो भी जाता है। मतलब तुरंत हो जाता है। और ये चीज मैं बोलना चाहूंगा लोगों से कि ये जो बीमारी है दर्द का, ज्वाइंट पेन का, उसमें दवा का कुछ खास रोल नहीं है। अगर लोग दवाई खाते हैं तो बहुत थोड़े समय के लिए उनको राहत मिलता है। दवा से होता क्या है कि दवा का असर जितना देर रहता है उतना ही देर राहत मिल पाता है, मतलब कहीं ना कहीं पेन किलर का काम वो करता है, मतलब पेन को मारने का कोशिश करता है, उसे ठीक करने का, बस ठीक करने का, बीमारी को ठीक नहीं करता है। और उसका साइड इफेक्ट भी है, अगर लंबे टाइम तक आप पेन किलर खा रहे हैं तो आपका किडनी और लीवर खराब हो सकता है। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट बहुत कारगर है। हम लोगों से कहेंगे कि अगर दर्द से किसी प्रकार का दर्द हो बॉडी में तो एक बार आकर के जरूर यहाँ पे संपर्क करें और सुझाव लें, और अपना ट्रीटमेंट का जरूरत हो तो ट्रीटमेंट करवाएं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए। हम आशा करेंगे कि जितने व्यूवर्स यहाँ देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अगर किसी भी तरह के जोरों से, घुटनों से, किसी भी तरह से कमर दर्द की अगर शिकायत हो उन्हें, तो एक बार जरूर आपसे संपर्क करेंगे। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और इंटरव्यू लिए। थैंक यू।